और जिला की जनता को दीपावली के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और देवभूमि क्षत्रिय संगठन व देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित मेरे पत्रकार बंधु, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज की पत्रकार वार्ता का जो हमारी पत्रकार वार्ता हो रही है, इसका मेन मुद्दा ये है कि ये जो अभी अभी हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, तो इस विषय पे थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। इसमें हमारे देवभूमि स्वर्ण मोर्चा और देवभूमि क्षत्रिय संगठन पिछले लगभग 3 सालों से स्वर्ण आयोग की मांग कर रहा है और पिछले 10 महीनों से हिमाचल प्रदेश सरकार हमारी इस मांग को नकार रही है। बार बार मौखिक आश्वासन मिलने के बावजूद स्वर्ण आयोग का गठन करने में हिमाचल सरकार नाकामयाब रही है। ना इसकी तरफ कोई कदम उठाए गए हैं और ना ही इसके बारे में विशेष रूप से सोचा गया है। तो जब ये उपचुनाव का बिगुल बजा तो देवभूमि स्वर्ण मोर्चा और देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने लोगों से ये अपील और ये आह्वान किया कि इन उपचुनावों में हम अपना रोष और अपना जो हमारा गुस्सा है उसको हम एक नोटा के रूप में प्रयोग करेंगे और नोटा के रूप में प्रयोग करके सरकार को एक विरोध प्रकट करने की कोशिश करेंगे। देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की समस्त प्रदेश की टीम इन उपचुनावों में, जब से उपचुनाव हुए हैं तो हमारे उपचुनावों में देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की समस्त टीम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जिन जिन क्षेत्रों में उपचुनाव थे वहाँ पे हमने लोगों से, और आपको मैं एक और बात साझा करना चाहता हूँ कि शायद ये पहली बार इतिहास में है कि नोटा का प्रचार किसी भी संगठन ने किया है। उस संगठन को हमने अपनी मुहिम बनाया और उस संगठन और संगठन ने नोटा का प्रचार किया ताकि, और स्वर्ण समाज ने हमारी आवाज़ सुन के, संगठन की आवाज़ सुन के और संगठन का साथ दे के भरपूर नोटा का प्रयोग किया, जिसके कि ये परिणाम आज हिमाचल सरकार में देखने को मिले। हम किसी भी एक पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। दोनों के दोनों राजनीतिक दल जो कि इस टाइम हिमाचल प्रदेश में हैं, इनमें से एक भी राजनीतिक दल हमारे स्वर्ण समाज की साथ नहीं चल पा रहा है। वोटों की राजनीति के चलते देखिए या फिर कोई और कारण हो, हम किसी के अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बावजूद एक स्वर्ण आयोग के गठन करने में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये सोचने का विषय है। स्वर्ण समाज अपने जो ये तुष्टिकरण की नीति है, जो स्वर्ण समाज के शोषण की नीति है, इसको कब तक सहन करेगा। इसी को आवाज बना के हमने नोटा का प्रयोग किया, जिसका एक आज ये दोनों पार्टियां ये बोल रही हैं कि इसके ऊपर मंथन किया जाएगा। मंथन करने की आवश्यकता है, लेकिन नोटा को ये लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, ये आप पार्टियों को, जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने जो स्वर्ण समाज के साथ एक विरोधाभास अपनाया हुआ है और जातिगत नीतियों, जातिगत आधारित आरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके विरोध में है। और आपको मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि अब इन राजनीतिक पार्टियों का भविष्य ही दांव पे लग चुका है। अगर यही हाल रहा और इसी तरीके से स्वर्ण समाज की अनदेखी की जाती रही, तो 2022 में हम ये पूरे का पूरा स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरने को बाध्य होगा और इन दोनों पार्टियों को राजनीति के पटल से बाहर निकलना पड़ेगा। ये मैं स्वर्ण समाज से भी आह्वान करूंगा, आपके चैनलों के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, कि ये अभी सिर्फ एक ट्रेलर है जो जिसमें कि अभी देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने अपना 50% भी हिस्सा नहीं डाला है। जब ये पूरे का पूरा स्वर्ण समाज सड़कों पे होगा और ये स्वर्ण समाज अपने अधिकारों के प्रति, अपने हकों के प्रति जागरूक होगा, तो आपको पूर्णतः राजनीति से बाहर कर दिया जाएगा, नकार दिया जाएगा। इसलिए समय रहते इनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए और समय रहते स्वर्ण समाज की आवाज को सुनते हुए स्वर्ण आयोग का गठन कर देना चाहिए, जिससे कि ये जो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, इनका अपना लोकतंत्र भी बचा रहे और अपनी पार्टियां भी बची रहे। हम किसी एक विशेष पार्टी का विरोध नहीं कर रहे थे,
ना दूसरी पार्टी का समर्थन कर रहे थे। हमारा नोटा डालने का मतलब और मतलब सिर्फ एक ही था कि हम स्वर्ण समाज की अनदेखी से त्रस्त हैं। स्वर्ण समाज जो इतना शोषण हो रहा है उससे हमारे अंदर रोष व्याप्त है और इसी वजह से नोटा का प्रयोग किया गया है। ये एक स्पष्ट संदेश है दोनों ही पार्टियों को, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही पार्टियों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि अगर वो स्वर्ण समाज का साथ नहीं देगी और खुलकर स्वर्ण समाज के साथ नहीं आएंगी, और मैं बाकी का जो हमारे बाकी समुदाय हैं, जो जातिगत समुदाय हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि आर्थिक आधार पे अगर ये नीतियां लागू होती हैं, आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू होता है तो उनका भी इसमें कोई नुकसान नहीं है, और हर एक गरीब व्यक्ति जो कि पात्र है, जिसको कि सरकारी नीतियों का लाभ मिलना चाहिए, जिसकी जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसको उसका लाभ मिल पाएगा और हम सब भाईचारे के साथ इकट्ठे रह के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल पाएंगे। वरना हम, हमारा स्वर्ण समाज, हमारा सामान्य वर्ग इस गली सड़ी व्यवस्था को, इस गली सड़ी व्यवस्था को जो जातिगत व्यवस्था बनाई गई है, इसको पूरे तौर पर नकारता है और इसका विरोध विरोध करता है। इसी के साथ सभी को जय भवानी, जय हिमाचल, जय हिंद।